Hello students, now I am going to explain properties of cubes of natural number, and this is second part of chapter 4. Okay, so let's start with property of cubes of natural number. Properties of cubes of natural number, and the first property is cube of even number is even. किसी भी number even number का अगर cube करते हैं तो हमेशा even आएगा. ठीक है, कैसे देखते हैं इसको. जैसे टू, हमें गिवन नंबर टू सेलेक्ट करते हैं एंड टू क्यूब कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, टू क्यूब दैट इज टू इंटू टू इंटू टू गिव्स एट. सो इफ आई सेलेक्ट एन इवन नंबर एज टू, देन क्यूब ऑफ टू इज एट एंड एट इज आल्सो एन इवन नंबर. सो क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन. ओके, इसी तरह से मान लीजिए आप फोर सेलेक्ट करते हैं और फोर का क्यूब कैलकुलेट करते हैं. फोर क्यूब डेट इज फोर इज टू फोर इज टू फोर डेट इज 64. तो यहाँ भी हमने एक इवन नंबर सेलेक्ट किया फोर, और फोर का क्यूब हमने कैलकुलेट किया डेट इज 64. 64 इज एन इवन नंबर. तो किसी भी नंबर का किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा वो इवन नंबर ही मिलेगा. जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, कोई नंबर दे दिया 6 7 8 4 5 8, बोला जाए कि इसका क्यूब इवन होगा या ऑड होगा, तो आपको अब यहाँ पे क्यूब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये पता करना है कि द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. तो कैसे पता करेंगे कि नंबर इवन है, इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे. यूनिट डिजिट क्या है, इवन है. सो द गिवन नंबर इज इवन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन. सो इसका क्यूब क्या होगा, इवन होगा. ओके, तो इस तरह से आप किसी भी गिवन नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि उसका क्यूब क्या होगा. ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. किसी भी नंबर का जो कि ऑड हो उसका क्यूब हमेशा ऑड आता है. जैसे एक नंबर हम सेलेक्ट करें 3, और 3 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा, 27. 3 इज एन ऑड नंबर एंड क्यूब ऑफ 3 दैट इज 27. 27 इज आल्सो एन ऑड नंबर. सो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड. ठीक है, एक और नंबर ले सेलेक्ट करते हैं 5, एंड वी want to calculate cube of 5 that is 125. 5 is an odd number, so cube of 5 that is 125 is also an odd number. So किसी भी odd number का cube हमेशा odd मिलेगा. ठीक, जैसे एक number हम select करें 9 8 5 4 3, और इसका cube calculate करें. पूछा जाए आपसे question कि बताइए the given number का cube और होगा या इवन होगा, तो आप पहले क्या पता करेंगे, द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 3 दैट इज ऑड. सो द गिवन नंबर इज ऑड, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर एन ऑड नंबर इज ऑड. सो इसका क्यूब क्या होगा, इसमें विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर यू कैन डिनोट द क्यूब ऑफ इवन नंबर, गिवन नंबर इज इवन और ऑड. तो यहाँ पे ऑड नंबर है और ऑड नंबर का हम क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके क्यूब में जो भी नंबर आएगा हमेशा क्या होगा, ऑड मिलेगा हमको. ओके, सो द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड. ओके, नाउ मूव ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 एन क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर. ठीक है, यानी कि अगर एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द क्यूब ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट एन स्क्वायर. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं. ओके, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ
फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये हमको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर के क्यूब का सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इन सारे नंबर का क्यूब इंडिविजुअली कैलकुलेट करें फिर उनका सम ले लें। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब दैट इज 8 एंड 3 का क्यूब दैट इज 27, ठीक है, इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको 36। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम सारे इंडिविजुअल नंबर्स का क्यूब कैलकुलेट करें फिर उनका सम ले लें। ओके, अगर हम प्रॉपर्टी 3 को यूज करते हैं, ओके, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3 द क्यूब द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटेन एज 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर का क्यूब का सम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर प्लस सेकेंड नेचुरल नंबर प्लस थर्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 6 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट वी वांट टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टू 5 नेचुरल नंबर का सम लेंगे, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इनको इंडिविजुअली क्यूब करके सम करने की जगह पे हम इन सबका सम लेंगे और उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नाउ मूव ऑन द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 1 4 5 6 9 आल्सो एंड विद सेम डिजिट, आल्सो विल एंड विद सेम डिजिट, मींस अगर कोई नंबर 1 4 5 6 9 से एंड होता है तो हमेशा उसके क्यूब में सेम नंबर मिलेगा। मींस क्या होगा, अगर कोई नंबर 1 पे एंड होता है, अगर कोई नंबर 1 पे एंड होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं 11, ओके, तो अगर हम 11 का क्यूब निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 11 इज टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्यूब कैलकुलेट करने के लिए बताया कि आप क्या करेंगे, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 11 121 and 121 11 1331, that is 1331, ठीक है, ये नंबर 1 से एंड हो रहा था, इसका जब हमने क्यूब कैलकुलेट किया सो वी गेट 1331, द गिवन द नंबर विच इज द क्यूब ऑफ 11 इज आल्सो एंड विथ 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नंबर जो 1 4 5 6 और 9 पे एंड होता है उसके क्यूब में सेम डिजिट रिपीट होगा, यानी वो नंबर उसका जो क्यूब आएगा वो भी सेम डिजिट से एंड होगा। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ ए, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ दैट इज फोर्थ बी, ए नंबर एंडिंग विद 2 एंड विद 8, कोई भी नंबर जो 2 से एंड होता है, ठीक है, उसका एंड 8 से होगा। जैसे अगर हम
2 लेते हैं, 2 का कैलकुलेट करते हैं, 2 का क्यूब कैलकुलेट करते हैं, तो 2 का क्यूब क्या आता है 8। ओके, इसी तरह से 12 का क्यूब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 12 का क्यूब क्या होगा, 12 is to 12। ओके, तो 12 is to 12 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए क्या आएगा, 2 4 जाए 2 1 जाए 2 1 4 जा 4 4 1 8 8 12 7 1 that is 1 7 2 8। ठीक है, तो given number n with 2, so the cube of the given number is also n with 8। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी नंबर जो 2 पर एंड होता है उसका क्यूब लेने पर वो 8 से एंड होगा। ठीक है, तो आपको कोई नंबर दे दिया गया, मान लीजिए 17642 और पूछा जाए कि इसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो विदाउट एनी सॉल्यूशन, ठीक है, वी कैन राइट द क्यूब द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। आपको बिना इसको कैलकुलेट किए आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे और यूनिट डिजिट का क्यूब आप ले रहे हैं, आपको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी नंबर जो 2 से एंड होता है उसका क्यूब भी किसे एंड होगा, 8 से। तो यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में क्या है, 8। ओके, तो कोई भी नंबर जो 2 से एंड होता है उसके क्यूब, उसका क्यूब 8 पर एंड होगा, एनी नंबर एंडिंग विद 2 एंड विद 8। ओके, नाउ मूव ऑन फोर्थ सी, एनी नंबर एंडिंग विद 8 एंड विद 2, कोई भी नंबर जो 8 पर एंड होता है उसका क्यूब 2 पर एंड होगा, एक प्रॉपर्टी आप लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी नंबर जो 7 पे एंड होगा उसका क्यूब 3 पर एंड होगा। ठीक है, तो आप सारे नंबर को चेक कर सकते हैं, जैसे आप इसके लिए 4C के लिए आप कोई नंबर सेलेक्ट करिए जो नंबर 8 पे एंड होता है, जैसे हमने सेलेक्ट किया 68 क्यूब। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको मालूम है कोई भी नंबर अगर 8 पे एंड होता है तो उसके क्यूब, उसका क्यूब 2 पर एंड होगा, यानी इसका क्यूब जो भी मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। इसी तरह से कोई भी नंबर अगर 3 से एंड होता है, ठीक है, जैसे मान लिया हमने 63 लिया और 63 का क्यूब हम कैलकुलेट करते हैं, तो कोई भी नंबर जो 3 पे एंड होता है उसका क्यूब 7 पर एंड होगा, तो इसका क्यूब जो भी कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 मिलेगा। ठीक है, एनी नंबर एंड विद 7, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी नंबर एंड विद 7 एंडिंग विद 3, यानी कोई भी नंबर, जैसे मान लिया हमने 77 का क्यूब कैलकुलेट किया, कोई भी नंबर जो 7 पे एंड होगा वो उसका क्यूब क्या होगा, 3 पर एंड होगा, इसका क्यूब किस पे एंड होगा, 3 पे, यानी यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर इज 3। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज करके बिना कैलकुलेट किए आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर, ठीक है, जो इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हुआ हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज कि कोई भी नंबर जिसमें 10 हो, कोई भी नंबर जिसमें 10 हो उसका क्यूब 30 पे एंड होता है, मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लिया हमने 1 क्यूब निकाला, तो 1 क्यूब यानी 10 है, तो इसके यूनिट इसका क्यूब अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या है, 1000, दैट इज अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 10, क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 10 एंड विद 30, कोई भी नंबर जिसका जिसमें 1 डिजिट हो, जब भी उसका हम क्यूब करेंगे तो उसके क्यूब में कितने 0 जाएंगे, 30। ओके, जैसे मान लिया हमने एक नंबर लिया 20 और इसका हम क्यूब कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर हैविंग 10, सो द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर है
30 मींस अगर 2 का क्यूब देखें तो 8 होगा 8 क्या है कितने जीरो रखेंगे 30 आई बात समझ में तो कोई भी नंबर जो एक जीरो प्रेजेंट होता है उसके क्यूब में हमेशा 30 मिलेंगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ठीक है तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम यूज करके एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे ठीक है ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया है इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1 इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू